हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर बज रहे होंगे सुबह के 7:30। हाँ, 7:30 ही बज रहे होंगे, क्योंकि ये 7 बजे या 7:30 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। तो इसी वजह से इनको टिफ़िन देना पड़ता है, मुझे टिफ़िन बना के देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत लेट आते हैं। तो फिर सुबह से लेके दोपहर तक फिर वैसे ही रहता है, तो इसी वजह से मैं टिफ़िन देती हूँ उन्हें। ब्रेकफास्ट कभी कभी घर पर करते हैं, वरना कभी कभी नहीं करते हैं। फिर रात को अगर ज़्यादा ही पेट फुल हो गया तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करता है, तो इसी वजह से मैं उनको टिफ़िन ही दे देती हूँ। टिफ़िन लेके जाते हैं तो मुझे टेंशन नहीं रहता है। उधर से आने के बाद फिर कभी थोड़ा सा लाइट खा लिया, नहीं खा लिया, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर सुबह सुबह क्या होता है कि वो ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद बच्चे उठ जाते हैं। बच्चों का रूटीन बिगड़ गया है अभी। बच्चे उठ जाते हैं तो पहले क्या होता था कि बच्चे उठते थे तो मुझे टेंशन रहता था पहले उनका टिफ़िन वगैरह बनाने का, उनको स्कूल भेजने का। तो अभी वो टेंशन नहीं है इतना, वो टेंशन तो ख़त्म हो गया है। बट अभी बच्चे उठ रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे जाते हैं हॉल में और टीवी लगा देते हैं, कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। तो मैं अद्विक का सुबह सुबह यही होता है, मैं थोड़ा सा अद्विक को ब्रश वगैरह करवा देती हूँ, उसके बाद उसे उसका दूध वगैरह ये वो उसका ब्रेकफास्ट इसकी तैयारी करती हूँ, तो उसका ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती हूँ। तो माही तो खुद से ले लेती है, माही का तो कुछ ये टेंशन नहीं है मुझे। माही इतनी बड़ी हो चुकी है कि माही खुद से कर सकती है अपना, बट अद्विक का टेंशन है, अद्विक खुद से इतना नहीं कर सकता है, तो अद्विक का सब कुछ देखना पड़ता है मुझे। और माही ना बहुत ज़्यादा समझदार है, माही बिल्कुल टेंशन नहीं देती है मुझे, और सिर्फ मुझे अद्विक का टेंशन रहता है। अद्विक को कुछ ना कुछ देना पड़ता है बीच बीच में, कभी कभी माही भी दे देती है उसको बना के कुछ भी। अगर उसको मैगी वगैरह बना के चाहिए हो तो मैगी तो माही को आती है, वो बना के दे देती है। ऐसे करके सुबह के घर के काम और अद्विक का काम रहता है। खाना बेटा, अद्विक देखो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा है, ये डाइनिंग बना दिया अद्विक ने। अब कौन सा है आपका डाइनिंग अद्विक? ये डाइनिंग है। क्या है? कबर्ड नहीं है वो, कबर्ड थोड़ी है। अरे वाह, खुद से खाने लगा है अद्विक तो आजकल, है ना? इधर देखो, मिर्ची क्यों डाली? पसंद नहीं आपको? पसंद है तो इधर देखो, आपकी हेयर कट दिखाओ, न्यू हेयर कट अद्विक की। मैं तो पापा के भी कर देता, मैं नहीं कर देता, कटिंग अंकल कर देते, मेरे भी कटिंग अंकल कर देते। कटिंग अंकल आपके भी कर देते और पापा के भी कर देते? हाँ। अच्छा, गुड इवनिंग। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 8 और फ्रेश हो गई हूँ, नहा लिया है। आजकल प्यास बहुत ज्यादा लग रही है यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
और ऊपर से हम लोग ना कूलर एसी कुछ भी नहीं लगा रहे। आप लोग लगा रहे हो क्या मुझे जरूर बताना कमेंट करके। हम लोग तो डर की वजह से बिल्कुल नहीं लगा रहे। क्या मतलब एसी और कूलर कुछ भी नहीं लगा रहे, लगा के रख दिया है ऐसे विंडो में। कूलर भी इन्होंने विंडो में लगा के रखा है बट हम लोग नहीं लगा रहे यार, बिल्कुल इतना डर लग रहा है इसका कि आपको क्या बताओ। और हाँ, मैंने क्या किया था, आज श्रीकांत को बोल दिया था सब्जियां लाने के लिए। इनको ड्यूटी की वजह से इनका लाना नहीं होता है ना, मतलब ये सुबह जाता है तो उस टाइम तो ये लेके नहीं जाते, फिर दोपहर में आते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो आज श्रीकांत घर पे था तो मैंने श्रीकांत को सब्जियां लाने के लिए बोल दिया था। जो सब्जियां लाई, ये बोल रहा है अभी यूज मत करो वो सब्जियां, क्योंकि सब्जियां यूज करने के लिए मना कर रहा है। बोल रहा है कि सब्जियां बिल्कुल यूज मत करो, जो दाले वाले हैं घर पे वही बनाओ। तो पालक बोला था मैंने उसको लाने के लिए, वो तो नहीं लाया उसने। घोड़ बोलते हैं हमारे साइड में, वो घोड़ की सब्जी बोलते हैं ना, वो पता नहीं आप लोगों की साइड में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता। मराठी में घोड़ की सब्जी बोलते हैं, वो लाइक थी, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब दाल में बनाते हैं जैसे पालक, दाल पालक जैसे बनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही वो बनाते हैं। और जैसे उसने कॉल किया मुझे कि क्या क्या लाओ, तो मैंने उसको बोला कि वो लेके आना, तो वो लेके आया है। बट ये बोल रहा है कि वो खाओ मतलब, तो वो फेंकना पड़ेगा। ऐसे खाने के वादे हो गया है पूरे, मुश्किल हो गई है क्या खाए क्या ना खाए समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोल रहा है सिर्फ दाले वाले बनाओ, घर की जो चीजें वो बनाओ, एग्स वगैरह बनाओ। तो अभी मैं एक भुर्जी बनाने वाली हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। कल भी दाल बनाई थी मसूर की, आज क्या उस दिन भी मैंने मिक्स दाल बनाई थी दाल मखनी। डेली डेली दाले दाले क्या खाए यार। तो आज अंडा भुर्जी बनाने वाली हूँ। और हाँ, अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर बच्चों के साथ, तो चलिए पहले काम में लग जाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। गाइज यहाँ पर बना रही थी मैं अंडा करी, और आज अंडा करी ही बनने वाले क्योंकि टाइम पर डिसाइड हुआ कि अंडा करी बनाऊंगी। ये बोल रहे थे कि मुझे एक भुर्जी खानी नहीं है, अंडा भुर्जी बनाने वाली थी मैं, वही वो बोल रहे थे कि मुझे नहीं खानी है क्योंकि सूखी सूखी हो जाती है और इनको पसंद नहीं है सूखी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा। तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि आज भी अंडा करी बना दो। तो यार डेली डेली अंडा करी बना रही हूँ, और क्या बोलते हैं तो दालें बना रही हूँ। पता नहीं कब ये सब
ख़त्म होगा और कब नॉर्मल हम लोग रूटीन में आ जाएंगे। अब तो मैं भी बोर हो गई हूँ इस सारी चीज़ों से, मतलब यही मसाले वाली सब्ज़ियाँ ये वो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मसाले वाली सब्ज़ियाँ, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ना सब्ज़ियाँ, ये सूखी सब्ज़ियाँ, ये सारी चीज़ें पसंद है, दालें वाले भी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे घर की सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब घर का जो बनाते हैं हम लोग दालें वाले ये सब कुछ ऐसे ज़्यादा पसंद है मुझे। बट इनके लिए ना मसाले की ही सब्ज़ी बनानी पड़ती है, तो आज भी एक करी ही बनने वाली है। और एक करी की रेसिपी मैं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, इसी वजह से मैं आज बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली। और डेली डेली क्या बनाएं ये भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मतलब कौन सी चीज़ें कब बनाओ। और आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि दी आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, तो ऐसे आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपके सजेशन पढ़ के। और बिल्कुल मुझे मतलब मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा अगर आप ऐसे कमेंट करोगे कि आज ये बनाओ आज वो बनाओ, मेरा भी टेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप कुछ बनाते होंगे तो आप वो बता सकते हो मुझे। और हाँ, किसी के अगर नाम लेने हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, मतलब कल के व्लॉग से मैं स्टार्ट कर दूँगी कि नाम लेना, मतलब वीडियो के एंड में मैं एक पर्सन का नाम ले लिया करूँगी अपने ब्लॉग में, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं कि उनको मेरा नाम लेना पसंद है ब्लॉग में, तो इसी वजह से आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि ये नाम है और ऐसा ऐसा नाम लेना है, तो उसमें से मैं नाम सिलेक्ट करूँगी और मैं वैसे वैसे अपने ब्लॉग में डेली एक पर्सन का नाम ले लिया करूँगी। तो आज से यही स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल के ब्लॉग से, तो ये कर लिया करूँगी। और यहाँ पर मेरा खाना वगैरह हो चुका था, हम लोगों ने तो एक करी खाई थी और बच्चों के लिए इन्होंने ऑमलेट बना के दे दिया था, तो यहाँ पर खाना हो गया था। तो मैं बर्तन जो है वो लगे हाथ क्लीन कर रही हूँ, आप लोगों को बताया था, सभी कुछ क्लीन करके ही रख रही हूँ, क्योंकि सुबह ऊपर उठ के इनके लिए टिफ़िन बनाना पड़ रहा है, तो उस टाइम ना मुझे टेंशन आ जाता है अगर घर बोल रही हूँ किचन गंदा दिखता है, तो इसी वजह से मैं रात को ही, पहले से आदत है मेरी कि रात को मैं क्लीन करके ही सोती हूँ किचन, क्योंकि सुबह उठ के ना फ्रेश दिखना चाहिए किचन, अगर फ्रेश दिखा ना सुबह तो मज़ा आता है। और सुबह सुबह मुझे इतने जल्दी उठना पड़ता है और फिर इनके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है ना, तो बहुत जान पे आता है अगर किचन गंदा दिखा तो। फ्लोर भी थोड़ी सी गंदी दिखी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मैं, तो इसी वजह से मैं रात को ही क्लीन कर देती हूँ पूरा, और उसके बाद फिर सुबह अगर उठती हूँ ना फ्रेश दिखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और काम करने का भी मन करता है, कुछ बनाने का भी मन करता है, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही क्लीन करके ही सोती हूँ रात को। सो गाइस, वॉकिंग हो गई है और माही जाओ ना, आप जाओ, माही लेके जाओ बेटा उसके। लाइट लगा दी क्या? जाओ लाइट लगा दो माही। तो हाँ, वॉकिंग हो गई है, माही बोल रही है और उसके साथ क्रिकेट खेलना है, बट मुझे अभी मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी वॉक हो गई है और लेट भी बहुत हो गया है यार, बहुत लेट हो गया, 11:30 बज गया है। हमारा आजकल ना पता नहीं क्यों कैसे टाइम निकल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है आजकल। खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे बाहर, उसके बाद वॉक वगैरह की मैंने वहाँ पे, बच्चों ने खेला, मतलब माही और अद्विक क्रिकेट खेल रहे थे। माही और अद्विक आजकल सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं खेल रहे, और कार्टून देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर है अद्विक और माही। अद्विक ने क्रॉप टॉप पहना है, अद्विक आपको क्रॉप टॉप दिखा, क्रॉप टॉप। अद्विक को पता नहीं कहाँ से निकाल निकाल के ला रहा है कपड़े, और उसके पसंद के कपड़े चाहिए अब उसको, कहाँ से पुराने कपड़े निकाल के ला रहा है और छोटे हो रहे हैं वो क्रॉप टॉप जैसे। और अभी उसके पापा आएंगे और खेलने के लिए बोलेंगे, ये उसके पापा को ऊपर गए थे, पता नहीं जिम रूम में गए थे या क्या गए थे, जिम नहीं गए होंगे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, ओहो इनका वीडियो चल रहा है, हाँ वॉल्यूम कम ही करा इनका, ये वीडियो देख रहे थे शायद ऊपर। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड वीडियो, हॉल वीडियो, मेकअप वीडियो इस तरह से डालती रहती हूँ। एक मिनट, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो।
और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अद्वी गुड नाइट बोलने के लिए नहीं आओगे? मैं तो हाँ, आ जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय 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 बाय। चलिए फिर, बाय 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 बाय।